हेलो एवरीवन, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में, जिसमें हम जो बात करेंगे आज नोएडा एक्सप्रेस वे पे मिलने वाले 1 BHK अपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली देखा ये गया है कि जितने भी जो है नए जॉब करने के लिए लोग एक्सप्रेस वे पे आते हैं, चाहे वो सेक्टर 16 हो, चाहे वो 125 या पूरे एक्सप्रेस वे पे पड़ने वाला कोई भी कंपनी, उसमें जो लोग आते हैं उनकी सबसे मोस्ट जो प्रेफरेंस होती है वो 1 BHK की होती है, जो कि वो देख रहे होते हैं ऑन द एक्सप्रेस वे। तो चूंकि लोगों को चीज़ें जानकारी नहीं है, तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि नोएडा एक्सप्रेस वे के कौन से सेक्टर में आपको 1 BHK अपार्टमेंट मिलते हैं, और उनकी एरिया के बारे में, उनकी कैटेगरी के बारे में, उनकी सोसाइटी और स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता सकूं। जैसा कि आपको पता है, सेक्टर वाइज पूरा एक्सप्रेस वे डिवाइडेड है, और एक्सप्रेस वे की जो कुल लेंथ है करीब 20 से 22 किलोमीटर है, तो मैं इस पे मिलने वाले 1 BHK बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आप सही से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ में ही मैंने जो है जितने भी 1 BHK इस पे मिलते हैं उनके फ्लैट्स की जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में अपने में डाल देनी है, उनकी जो है लिंक दे देनी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो पूरे एक्सप्रेस वे पे जो 1 BHK मिलते हैं वो 6 सेक्टर के अंदर मिलता है, लेके महामाया फ्लाईओवर जो कि लगभग इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां मिलता है। सबसे पहला 1 BHK अपार्टमेंट है, जो कि नोएडा की वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी अपार्टमेंट और नॉर्थ इंडिया की सबसे टेलेस्ट बिल्डिंग जो है सुपरनोवा के अंदर मिलता है। वहां पे आपको 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट मिलते हैं। वहां पे 2 साइज हैं, लगभग एक 995 स्क्वायर फीट का है, 9595 स्क्वायर फीट, एंड सेकेंड इज 775 स्क्वायर फीट। वहाँ आपको जो है 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट, फर्निश अपार्टमेंट मिलते हैं, जिनकी बाइंग कॉस्ट और रेंट के बारे में बताऊं तो मैं आपको रेट कोट इसलिए नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये रेट समय समय पे चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी आप उनके सैंपल वीडियो देखें मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो वहाँ पे जो नंबर दिए होते हैं उनसे करंट रेट आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो पहला, अगर हम नोएडा की तरफ से चलते हैं, ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो पहला जो सेक्टर है वो मैंने जैसा कि आपको बताया 94 में जो मिलते हैं 1 BHK अपार्टमेंट, और इससे अगला जो 1 BHK अपार्टमेंट है वो मिलता है आपको सेक्टर 128 के अंदर, जो कि है JP विस टाउन के अंदर मिलता है। अगर उसके साइज की बात की जाए तो ये प्रॉपर 1 BHK है, 936 स्क्वायर फीट में है, 936 स्क्वायर फीट के अंदर प्रॉपर 1 BHK एक फ्लैट है, जो कि सेमी फर्निश्ड कंडीशन में मिलता है, जिसमें आपको जो है दोनों रूम और हॉल में AC, लाइट, फैन, गीजर, ये चीजों से मिलता है। वही रेट की बात मैं कहूंगा, समय समय पे चीजें चेंज होती रहती हैं, वो देख सकते हैं आप जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो पे सैंपल देखें, साथ में वहां जो नंबर दिया होता है उस पे आप जो है करंट रेट की जानकारी कर सकते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं, और अभी मैं जो बता रहा हूं ये वो साइड है नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ में जो हमारे राइट हैंड की तरफ पड़ेंगे, उन सेक्टर के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं आपको लेफ्ट हैंड वालों के भी बताऊंगा। इससे जो अगला सेक्टर है 128 के बाद, 128 के बाद, जिसमें के 1 BHK मिलते हैं, वो है आपका 168। जी हाँ, सेक्टर 168 में मिलते हैं आपको जो है 4 सोसाइटी हैं, जिसमें 1 BHK और 1 R के अपार्टमेंट मिलते हैं। सबसे पहली सोसाइटी जो ऑन एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पे है वो है द गोल्डन पाम, वहां में भी 1 BHK और 1 R के अपार्टमेंट मिलते हैं। बढ़िया सोसाइटी है, बहुत अच्छा जो है इसका एटमोसफेयर है। इसी की बगल में एक प्रॉपर्टी और है जो कि है पारस सीजन, वहां पे 1 BHK में डुप्लेक्स में मिलता है 1 BHK आपको, जो कि वो भी फर्निश्ड ही होता है, वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और एक तीसरा, एक अच्छे साइज के अंदर मिलता है वीडियो 1 BHK अपार्टमेंट, वो है सन वर्ल्ड अरिस्टा के अंदर मिलता है। वहां पे 2 साइज हैं, लगभग एक 1615 स्क्वायर फीट में है, एक 685 स्क्वायर फीट में है। इनकी वही कैटेगरी आपकी फर्निश्ड अपार्टमेंट है, वो देख सकते हैं, और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जरूर जाके क्लिक करें।
और जो 1 आर के अपार्टमेंट मिलता है जो कि सेक्टर 168 में लगभग सबसे रीजनेबल प्राइस में होता है, जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, वो है आपका अर्बटेक का जेवियर अपार्टमेंट। वहां पे आपको ये प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो ये हो गया, जब हम नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ चलते हैं तो हमारे 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें 1 BHK मिलते हैं, जैसा कि आपको पहले पता ही है, सेक्टर 94, सेकंड है 128 एंड थर्ड इज 168। इधर की साइड में मिलते हैं आपको 1 BHK 1 आर के अपार्टमेंट। अब हम आ जाते हैं सेक्टर जो कि लेफ्ट एंड की तरफ मिलने वाले सेक्टर है जब हम नोएडा से चलते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्टर आता है वो आता है सेक्टर 93। हालांकि अपार्टमेंट सेक्टर 45 में भी है, प्रतीक स्टाइल होम हो गया, SDS NRI रेजिडेंसी हो गया, आम्रपाली का प्रोजेक्ट हो गया, बट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द 1 BHK अपार्टमेंट इन द सोसाइटी। सो जो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं, तो सबसे पहला जो 1 BHK अपार्टमेंट है वो है आपको एल्डिको यूटोपिया के अंदर। एल्डिको स्टूडियो करके एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर सिंपली 1 BHK है। और अगर हम एरिया की वाइज एरिया पे जाएं तो वो 890 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होता है जो कि फर्निश्ड होता है। हाइट की बात करूँ तो लगभग 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। सराउंडिंग बहुत ही अच्छी है, लगभग जितने भी सेक्टर हैं 1 BHK की जो मैं बता रहा हूँ उनकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है। जो है वहाँ रहने लायक एरिया है, जरूरत की सारी चीजें आपकी वहाँ पे रहती हैं। इससे अगला सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अगला सेक्टर होता है सेक्टर 137, जहाँ पे हैं करीब 4 से 5 बिल्डर जो कि आपको प्रोवाइड कराते हैं 1 RK और 1 BHK। सबसे पहले जो 1 BHK और 1 RK का जो मिक्सचर है वो है अजनारा डेफोडिल के अंदर। जी हाँ, उसमें दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर है। ये आउटर साइड की तरफ से जो आपकी एंट्री दे रखी है। और सेक्टर की बात करें, बढ़िया सेक्टर है ये, सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसमें, आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो 1 BHK हो चाहे वो 1 RK हो फर्निश्ड कैटेगरी में। सेकंड अगर हम जाते हैं तो वो है सुपरटेक इको सिटी। यहाँ पे आपका जो है 1 RK अपार्टमेंट है, वो भी फर्निश्ड कंडीशन में है, वो भी आपको अच्छे रेट पर मिल जाती हैं चीज़ें, चाहे वो बाइंग में हो या रेंटिंग में हो। और थर्ड वन जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है प्रॉपर 1 BHK कैटेगरी में, वो है पारस का, पारस बिल्डर का पारस टेरा, जिसमें कि आपको प्रॉपर 1 BHK होता है विद 2 AC एंड ऑल। वो भी आपको अच्छे रेट और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। सराउंडिंग की बात की जाए तो ये सेक्टर सबसे रिहायशी एरिया में अच्छा है। इसके अंदर आपका जो है फेलिक्स हॉस्पिटल हो गया, 3-4 बैंक हैं, आपकी लगभग जरूरत की सारी चीजें जो होनी चाहिए उस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्टर के अंदर, तो 137 से टुवर्ड ग्रेटर नोएडा एक सेक्टर और है जो है 143। उसमें आपको मिल जाता है 1 RK अपार्टमेंट जो है लॉजिक्स ब्लॉसम जेस्ट के अंदर। जी हाँ, एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस स्टेट में, लॉजिक जेस्ट के अंदर 2-3 टावर ही जो है आपके पजेशन हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो है 1 RK अपार्टमेंट जिसमें बना हुआ है वो टावर पजेशन है। वहाँ पे ज़्यादातर एक तो सही रीजनेबल प्राइस में इन्वेंट्री मिल जाती है, लगभग आपको जो है करीब 20 से 30% हमेशा कम रहता है सेक्टर 137 से उसका प्राइस। और अच्छी प्रॉपर्टी है, रीजनेबल प्रॉपर्टी है। उसकी सराउंडिंग में बात करें, मार्केट की बात करें, तो 143 के अंदर अच्छी मार्केट है आपकी जो गुलशन इकवाना की जो है। और साथ में ही जो है वहाँ पे लोकल एरिया वर्क के लिए गांव भी है, वहाँ से आप जो है अपनी मूलभूत चीज़ों के लिए आप मेड वगैरह को लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन बताई है कि आप इधर उधर नहीं भटकेंगे कि भाई एक्सप्रेसवे पे कहाँ कहाँ 1 BHK है और किस तरीके के उनके सैंपल हैं। मैं वन सेकेंड बता रहा हूँ, मेरे जितने भी 1 BHK के कैटेगरी हैं उनके साइज हैं वो सारी के सारी जो वीडियोस हैं एज ए सैंपल, लेकिन एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं वो जो है, वो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सैंपल की बनाई हुई है, वो करंटली प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं जो है उनकी वीडियो, वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और रेंट और रीसेल की अच्छी डील के लिए आप हर वीडियो के अंदर एक नंबर दिया गया है, आप उस पे कनेक्ट करें, वहाँ से आपको हम एक अच्छी डील दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो है काफ़ी
इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की है। अगर आप मेरे प्रयासों को जो है सराहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्त उन फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो एक्सप्रेस वे पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। हम 1 BHK हो या 2 BHK या 4 BHK, रेंट की डील हो या रीसेल की डील हो, हम सभी तरीके की डील करते हैं और अच्छी डील आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंटमेंट अपना विचार व्यक्त करें और साथ में आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल वीडियो या स्पेशल लोकेशन की जो है इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्दी ही उस पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप तक पहुँचाऊँगा। आपने समय निकाल के मेरी वीडियो को देखा, इसका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।